हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा स्कोर करने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है संख्याओं 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का हमें HCF निकालना है, वो भी किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो हमने हल लिखा, अब क्या करेंगे, अब इसको हम मानेंगे, क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे ए और जो छोटी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे बी। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर माना ए बराबर, ठीक है, ए बराबर कितना है 225, हम बड़ी वाली संख्या को मानेंगे 225, और बी बराबर, बी बराबर हम छोटी वाली संख्या को मानेंगे, छोटी वाली संख्या कितनी है 135। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दिया है। अब इसकी सहायता से जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र कौन सा है, चलिए आइए लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसका ये सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि a बराबर है वो है भाज्य। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाज्य। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया भाज्य, a बराबर भाज्य है और b बराबर क्या है, b बराबर है भाजक। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे भाजक। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, q हमारा है भागफल। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही भागफल लिख देंगे और प्लस प्लस लगाएंगे, प्लस यहाँ पर r, r हमारा है रिमाइंडर यानी कि शेष फल, शेष फल। ठीक है, तो हमारा एक सूत्र बन चुका है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र में सारी वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, ए बराबर हमें कितना दिया है, देखिए ए बराबर दिया है 225, तो हम यहाँ पर सिंपली 225 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बराबर है तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए आगे बी, बी का कितना वैल्यू है, बी का है 135, तो हम यहाँ पर सिंपली 135 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर Q और R नहीं पता है, पता है यानी कि भागफल और शेषफल नहीं पता है। ठीक है, तो हम इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली 135 का 225 में भाग दे देंगे, उसके बाद हमें भागफल और शेषफल भी मिल जाएगा। तो चलिए हम भाग देते हैं, तो चलिए इधर देखिए 135 का भाग देंगे किस में, 225 में, तो हम यहाँ पर सिंपली 225 लिखेंगे और इसका भाग देंगे। तो चलिए भाग लगाते हैं, जब हम 135 का भाग लगाएंगे 225 में तो ये दो बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 225 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार इसको सिंपली गुणा करेंगे। जब हम 135 का गुणा A1 में करेंगे तो यहाँ पर सिंपली 135 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, जब हम 5 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0। ठीक है, अब जब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस होगा नहीं, चलिए इसमें हम ढाई लेते हैं, जब हम ढाई लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, जब हम 12 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9। ठीक है, और यहाँ पर बचा 1, जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें भागफल और शेषफल मिल चुका है, चलिए तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, भागफल की जगह पर हम भागफल लिखेंगे, भागफल कितना है 1, तो हम यहाँ पर सिंपली भागफल लिखेंगे 1 और प्लस हमारा शेषफल कितना है, शेषफल है 90, तो हम यहाँ पर सिंपली 90 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चरण 1 कम्प्लीट हो गया, ये हमारा है चरण 1, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल है 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे देखिए ये 135 है, 135 हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अब बराबर लिखेंगे 90 है, 90 को हम लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल निकालना है, तो भागफल और शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 90 से भाग देंगे 135 में, तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर हम देंगे, देखिए 90 से हम भाग देंगे 135 में, अब ये 135 है, इसको हम नीचे ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली 135। चलिए अब 90 से भाग लगाते हैं,
जब हम 90 से भाग लगाएंगे तो देखिए ये एक बार जाएगा, दो बार करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इसका एक बार गुणा करते हैं 90 में, तो हम 90 का एक बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 90 एकम 90, ठीक है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 बचा और 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। अब देखिए हमें भागफल और शेषफल मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना है 1 और शेषफल है 45, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देंगे भागफल कितना है 1 और प्लस शेषफल कितना है 45, तो हम यहाँ पर 45 लिख देंगे। ये हमारा है चरण 2, यहाँ पर लिखेंगे चरण 2, ठीक है। चरण 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ए की जगह पर 90 को लिखेंगे और बी की जगह हम किधर लिखेंगे 45, तो हम यहाँ पर सिंपली 45 लिख देंगे। भागफल निकालेंगे और शेषफल निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे 45 का भाग देंगे 90 में। तो चलिए लगाते हैं, जब हम 45 का भाग 90 में लगाएंगे तो ये 90 है, इसको हम यहाँ पर अंदर लिख लेंगे 90, ठीक है। तो यहाँ पर 90 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब इसका 45 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा जब हम 45 का गुणा करेंगे 2 में। चलिए करते हैं, 45 दूने होते हैं 90, तो हम डायरेक्ट ही 90 लिख देंगे। अब आगे क्या करें, इसको हम माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागफल और शेषफल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भागफल कितना है, भागफल है 2 और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 0, तो हम यहाँ पर सिंपली शेषफल 0 लिख देंगे। देखिए ये हमारा चरण 3 कम्प्लीट हो गया है, चरण 3, ठीक है। तो हमारा 3 कम्प्लीट हो गया है, और देखिए चरण 3 में हमारा जो शेषफल है वो 0 आ चुका है। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है वो हमारा HCF होगा। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है तो ये वाला जो 45 है ये हमारा HCF होगा, तो हम लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF 45 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना था, आई होप आपको समझ आ जा होगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।